सक्सेस की एक खास बात होती है, ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सहरावत आपका निजो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रीवियस ईयर पेपर की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंट असिस्टेंट का पेपर, सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे हम इसका। लगभग 20-22 मिनट में 40-50 क्वेश्चन हम करेंगे। पूछा गया था किस अधिनियम के तहत कोलकाता में एससी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की कोलकाता में स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। और एलिजा इम्पे इसके मुख्य जज बने थे, मुख्य न्यायाधीश जो है वो एलिजा इम्पे को चुना गया था। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है, पूछा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो ये 1556 में हुआ था। पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर ने जीता था। दूसरा 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, हेमू को हरा दिया गया था, बैरम खान अकबर की तरफ से लड़े थे। और तीसरा 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, 1526 में पहला और 1761 में तीसरा युद्ध पानीपत का लड़ा गया था। पूछा गया मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पूछा मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में। ठीक है, 1014 ईस्वी ऑप्शन में दे रखा है, बाकी तो बहुत दूर दूर के ऑप्शन है। तो 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया था, जाटों ने भी इसको लूटा था जाते वक्त, दोबारा फिर आया ये, तो इसने बड़ा गदर मचाया था भाई। ठीक है, हरियाणा में लोह नलिकाओं के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो हिसार में जिंदल स्टील है, तो हिसार को हरियाणा में लोह नलिकाओं के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक है हिसार। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक है हिसार लोह नलिकाओं का। ठीक है, डैस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियां नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आया तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, 3 ऑप्शन थे वो सारे के सारे शिवालिक की पहाड़ियों से निकलते हैं, लेकिन ये दोहन जो नदी है ये शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। गग्गर, मारकंडा और टांगरी, ये ऑप्शन भी थे, गग्गर, मारकंडा, टांगरी, ये तीनों नदियां क्या है? शिवालिक की पहाड़ियों से स्रोतित हैं, वहां से निकलती हैं। ठीक है, लेकिन दोहन नदी जो है इसका राइट आंसर था कि कौन सी नदी जो है शिवालिक पहाड़ियों के स्रोत से नहीं निकलती। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से न निकलने वाली नदी थी दोहन नदी। हरियाणा का गुड़गांव जिला कब बना? तो इसका आंसर आ जाएगा 1966 में, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय सात जिले बने थे। एक ट्रिक है, कागज अमर है, आसान सी ट्रिक है, कैसे करनाल, गैसे गुड़गांव, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। ठीक है, ये 7 जो जिले हैं
ये उस समय जब हरियाणा 1 नवंबर 1967 को हरियाणा बना तो उस समय ये 7 जिले थे, ठीक है, कागज अमर है, करनाल, जींद, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार, ठीक है, और गुड़गांव। तो ये 7 जिले जो हैं हरियाणा बना तब बने थे। पूछा साइना नेहवाल ने, लंदन ओलंपिक में, लंदन जो ओलंपिक था उसमें, लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक, ये कब आयोजित किया गया था? तो ये 2012 में लंदन में आयोजित किया गया था कांस्य पदक, उसमें साइना नेहवाल ने जीता था कांस्य पदक लंदन ओलंपिक में, ठीक है। फिर पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कम साक्षरता वाला जिला, तो आपको पता है मेवात जो है इसका हरियाणा में राइट आंसर है, मेवात में सबसे कम, ज़्यादा सबसे कम जो है साक्षरता है, ठीक है, मेवात में, क्योंकि मुस्लिम आबादी का एरिया है, ठीक है, तो कम साक्षरता वहाँ पे है। पिंजौर बाग का वास्तुकार, ठीक है, पिंजौर बाग का वास्तुकार जो है वो नवाब फिदई खान है, ठीक है, पिंजौर बाग का जो वास्तुकार था वो कौन था? नवाब फिदई जो खान थे वो पिंजौर बाग के वास्तुकार थे। फिर पूछा रॉक गार्डन की स्थापना किसने की? रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है उसकी स्थापना किसने की थी? तो नेकचंद सैनी ने, इसका आंसर जो है ये नेकचंद सैनी, ठीक है, नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन की स्थापना की। बहुत बारी क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन है सीसा मुख्यतः, डैश के रूप में रहता है, तो सीसा जो है वो गैलेना के रूप में रहता है। कई बार ये क्वेश्चन सीधे पूछ ले जाते हैं इसलिए आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, सीसा मुख्यतः गैलेना के रूप में रहता है, ठीक है। लिबरो शब्द है, लिबेरो शब्द मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है, लिबेरो शब्द, ठीक है, लिबेरो शब्द का जो खेल संबंध है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। इंदिरा गांधी, सुपर थर्मल पावर परियोजना ये जाडली जज्जर में स्थित है भाई, ठीक है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर जो परियोजना है ये जाडली में है, ठीक है। ऑप्शन था खेदर, पानीपत, ककरोई, तो खेदर में राजीव गांधी हैं, ठीक है, तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर जो है वो जाडली में स्थित है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो इससे आपका बेनिफिट पक्का होगा और बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। मारकंडा नदी, हरियाणा में, डैश जिले से प्रवेश करती है, तो अम्बाला इसका राइट आंसर है, अम्बाला, क्योंकि इसमें ऑप्शन थे फरीदाबाद, हिसार और सोनीपत, जहाँ पे कोई तुक नहीं बनता, मारकंडा नदी जो है वो अम्बाला में प्रवेश करती है हरियाणा में, ठीक है, अम्बाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे, इनकी विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता ट्रांजिस्टर थी, दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इनकी विशेषता थी ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर इसमें आ गया था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे कम गंतव्य, किसका है? सिरसा का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका था? फरीदाबाद का था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सिरसा जिले का जो जनसंख्या गंतव्य है वो सबसे कम है, ठीक है, संख्या, जनसंख्या गंतव्य सिरसा का सबसे कम है।
पूछ रहे हैं कि किस गवर्नर जनरल ने बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल शासक घोषित किया था, अंतिम मुगल शासक जो है घोषित किया था किस गवर्नर जनरल ने, तो लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल शासक जो है घोषित किया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। कई बार क्वेश्चन ये सीधे देखने को मिलते हैं यूं कहीं, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है जब प्रीवियस ईयर पेपर हम अटैम्प्ट करके देखते हैं। ठीक है, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, बहुत ही रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का पेरिस जो है वो करनाल को कहा जाता है। ठीक है, करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। ठीक है भाई, फिर पूछा गया कि जो रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज है, रेलवे हेरिटेज, इसमें बांप का इंजन है, बांप का इंजन जिस रेलगाड़ी में है सबसे पुरानी है, परंतु कार्यरत बांप का इंजन है। ठीक है, हेरिटेज म्यूजियम है ये, हेरिटेज म्यूजियम, म्यूजियम, ठीक है, इसमें बाप का इंजन है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, तो फेरी क्वीन जो है उसका नाम है, फेरी क्वीन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई कई बार आया है कि रेवाड़ी जो रेलवे हेरिटेज हरियाणा में म्यूजियम है, इसमें बाप का इंजन है, कार्यरत सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना, तो इसे क्या बोलते हैं, फेरी क्वीन बोलते हैं। ठीक है, फेरी क्वीन इसे बोलते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, वो हरियाणा के किस जिले से नहीं निकलता, तो इसमें ऑप्शन थे सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, तो भिवानी इसमें नहीं आएगा, भिवानी जो ऑप्शन है वो नहीं था। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जहाँ से नहीं निकलता पूछा गया था, जहाँ से नहीं निकलता, तो नहीं को आपने ध्यान से देखना है, नहीं के कारण कई बार गलती रहती है, तो पूछना है कि नहीं आया हुआ है, तो भिवानी से नहीं निकलता, ये कहाँ से निकलता है, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र से निकलता है। ठीक है, किस जिले में एस्बेस्टास पाया जाता है, एस्बेस्टास पाया जाता है किस जिले में, तो महेंद्रगढ़ में ज़्यादा खनिज मिलते हैं, तो महेंद्रगढ़ में एस्बेस्टास पाया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टास में इसार भी था, करनाल भी था, गुरुग्राम था, तो ये नहीं होता। ठीक है, दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, दही में सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, और कौन से जीवाणु जो हैं वो दही बनाने के काम आते हैं, तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है ये दही बनाने के काम आता है, लैक्टोबैसिलस जो है ये दही बनाने के काम आता है। ठीक है, दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस होता है, वो दही बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत डिजाइन की है, चंडीगढ़ का जो न्यायालय है उसकी जो इमारत डिजाइन की है, ली कार्बूजियर ने की है, ली कार्बूजियर, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उसकी जो इमारत है वो किसने डिजाइन की थी, ली कार्बूजियर ने की थी। पीतल नगरी, हरियाणा की पीतल नगरी से किसे जाना जाता है, तो हरियाणा की पीतल नगरी जगाधरी। ठीक है, हरियाणा की पीतल नगरी जगाधरी, इसमें ऑप्शन था कैथल, कुंडली, नारनौल, तो जगाधरी आएगा। रेवाड़ी में पीतल के बर्तन काफ़ी बनाए जाते हैं, तो शहर बोल सकते हैं उसको, जो पीतल नगरी आएगा तो उसका ऑप्शन जो है आंसर आपको जगाधरी देना है। ठीक है, पिछले पेपर में भी आया था कि चंडीगढ़ को धुआं मुक्त कब किया गया था, पहला शहर जो भारत का बना है 2007 में, ये पिछले पेपर में भी प्रश्न एज इट इज पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ को धुआं मुक्त कब घोषित किया था, 2007 में घोषित किया गया था। ठीक है, सूर्य कवि का सम्मान किसे दिया जाता है, सूर्य कवि, तो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जो है, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद, इनको उपाधि दी गई थी, हरियाणा के संगीत विद्याओं, रागनी और सांग के लिए सूर्य कवि का सम्मान पंडित लक्ष्मी चंद को दिया गया था। विधानसभा स्पीकर सबसे ज़्यादा
सबसे ज्यादा बार तो हरमेंद्र सिंह चड्डा, हरमेंद्र सिंह चड्डा जो हैं सबसे ज्यादा बार डिप्टी स्पीकर जो सॉरी स्पीकर जो हैं विधानसभा के रहे हैं, कांग्रेस से ये संबंधित हैं भाई। ठीक है, हरमिंदर सिंह चड्ढा पेवा से इलेक्शन लड़ते थे ये। ठीक है, बहुत बार ये हैं विधानसभा के जो हैं स्पीकर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी, पिछले पेपर में भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी जो है वो छछरौली है। ठीक है, हरियाणा के छछरौली में सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है, तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली है। ठीक है, हिंदी का प्रश्न था संबंध कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं, तो संबंध कारक इसमें आएगा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ हो। ठीक है, संबंध का के की इसको पहचानते हैं, संबंध का के की इसके जो वर्ड है कारक के। ठीक, कारक जो चिन्ह बोलते हैं, संबंध कारक जो है का के की किसी से संबंध, कि मोहन का सोहन से क्या संबंध, का के की। ठीक है, निकटतम, निकटतम, निकटतम कौन सी अवस्था है, उत्तम अवस्था है। ठीक है, निकट निकटतर निकटतम उत्तम अवस्था। ठीक है, निकटतम समय का ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है, तो समय का ज्ञान किसके वजह रहता है, कालवाचक। ठीक है, कालवाचक इसमें क्रिया विशेषण दे रखे थे कि कालवाचक स्थानवाचक या रीतिवाचक, तो कालवाचक क्रिया विशेषण से समय का बोध होता है। कि जैसे मैंने पूछ लो कि मैंने क्लास कब ली, कब ली तो मतलब क्या है, काम कब हुआ, समय का ज्ञान जो है वो दे रहा, समय का ज्ञान होता है। ठीक है, विषम्य आदि बोधक अव्यय को ये प्रश्न पूछ सकते हैं आगे भी, विषम्य आदि बोधक अव्यय को क्या कहते हैं, तो द्योतक कहते हैं, द्योतक, द्योतक कहते हैं। ठीक है, विषम्य आदि बोधक अव्यय को द्योतक कहते हैं। ठीक है, विषम्य आदि बोधक अव्यय को द्योतक कहते हैं। तो आज के पेपर में हमने एक क्वेश्चन की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले पेपर में कुछ अगर कुछ क्वेश्चन भी हमें 20-30% भी देखने को मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।